देख रहे हैं sabkihindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में भूकंप अपना कहर बरपा रहा है, जहां अभी बीते शनिवार 7 अक्टूबर को आए भूकंप के बाद स्थिति सामान्य भी नहीं हुई थी कि इस बीच अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में आज फिर भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.3 मैग्नीट्यूड बताई गई है और यह हेरात प्रांत की राजधानी से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर आया था। आपको बता दें कि इससे पहले बीते शनिवार को आए भूकंप में अब तक 3,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग का आज 5वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में अब तक 3,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है, तो वहीं गाजा में मौतों का आंकड़ा 900 बताया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल सेना की ओर से कहा गया है कि लगभग 1500 आतंकवादियों के शव पाए गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला बोलते हुए 5,000 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल ने भी विनाशकारी हवाई हमले करते हुए कहा कि यह हमास का खात्मा करने और मध्य पूर्व को बदलने के लिए एक निरंतर युद्ध की शुरुआत है। इसके बाद इसराइल ने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी कर बिजली, खाना, पानी और फ्यूल सहित जरूरी सप्लाई को भी बंद कर दिया। इसराइल ने कल मंगलवार को दावा किया कि उसने अपने 3,00,000 से अधिक सैनिकों को गाजा पट्टी पर तैनात कर हमास से कंट्रोल वापस ले लिया है। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और मैं इसराइल में आतंकी हमले पर हालात का अपडेट लेने के लिए और उठाए जाने वाले अगले कदमों का निर्देश देने के लिए अपनी टीमों के साथ बैठे हैं। उन्होंने लिखा कि हमने इसराइल का समर्थन करने, शत्रुतापूर्ण लोगों को रोकने और निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए समन्वय पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। सोमवार को हुई कांग्रेस की CWC की बैठक में एक प्रस्ताव में इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का भी जिक्र किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वह मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध पर अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करती है। इसमें कहा गया था कि CWC फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपनी दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। प्रस्ताव में कहा गया था कि CWC तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करती है और सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है, जिसमें वे अनिवार्य मुद्दे भी शामिल हैं जिनकी वजह से मौजूदा संघर्ष शुरू हुआ है। वहीं कांग्रेस के इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अत्यंत निंदनीय, इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कांग्रेस CWC ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया है। धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी, अब तो कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने को तैयार है। हम और हमारी पार्टी भी विपक्ष में रहे हैं, मगर कभी भी राष्ट्रहित के विरुद्ध कदम नहीं उठाया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। कांग्रेस के प्रस्ताव की BJP द्वारा आलोचना किए जाने पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि BJP शायद वाजपेयी जी के भाषण को भूल गई है। कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और ये सब अफवाहें हैं। अफसोस है कि लोग कांग्रेस के प्रस्ताव पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे इसराइल में हो या गाजा में। हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और भारतीय वहां से सुरक्षित घर लौटें, इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक दिन पहले ही एक्स पर पार्टी की स्थिति साफ कर दी थी और हमास के हमलों और फिलिस्तीन के हित दोनों का उल्लेख किया था। गौरव गोगोई ने BJP पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि BJP राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही है और अब वह इस आंतरिक दरार से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। उन्होंने कहा कि मैं BJP नेता से कहना चाहूंगा कि उन्हें वाजपेयी का भाषण याद रखना चाहिए और उन्होंने जो कहा था उसका विश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद से BJP सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात कर रही है और अपने इतिहास के साथ साथ वाजपेयी जी के भाषण को भी भूल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के सत्तारूढ़ BRS पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि BRS का स्टेयरिंग ओवैसी के पास है और तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी मजलिस सरकार को चला रही है, हमें इसको बचाना है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने राज्य के लोगों से हर साल 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाने का वादा किया। वहीं अब गृह मंत्री के इस बयान को लेकर सत्तारूढ़ BRS के नेता और मुख्यमंत्री KCR के बेटे KT रमाराव ने पलटवार करते हुए कहा
कि जी किशन रेड्डी ने शायद उनको बताया नहीं होगा कि हमारे मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस साल भी लिब्रेशन डे मनाया और पिछले साल भी मनाया गया था। उनको झूठ बोलना शोभा नहीं देता, उनको अपने बयान को ठीक करना चाहिए। केटीआर ने कहा कि हमारी पार्टी की स्टीयरिंग हमारे और मुख्यमंत्री केसीआर के हाथों में है, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चली गई है। अमित शाह को इस पर ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि न्यूज पोर्टल द्वारा चीन से फंडिंग लिए जाने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल 10 अक्टूबर को दोनों की रिमांड खत्म हो रही थी, ऐसे में उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने दोनों के 10 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की। इस पर पुरकायस्थ के वकील ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। वहीं अमित चक्रवर्ती के वकील ने तर्क दिया कि वह ना तो पत्रकार थे और ना ही उन्हें कोई पेमेंट मिला। अब कल 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।